बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको मांग के कई सारे प्रकार होते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रत्यक्ष मांग। देखिए, प्रत्यक्ष मांग क्या होती है पहले आप बहुत आराम से समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं और ये सारी की सारी वस्तुएं हमारी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी तो मैं प्यास लगने के बाद आप पानी पी लिया, ये प्रत्यक्ष मांग है। आपको मान लीजिए टीवी देखने की इच्छा है तो टीवी से आपको मनोरंजन मिलता है, ये प्रत्यक्ष मांग है। बिजली जलाया, आपको लाइट हो गई, रोशनी हो गई, ये प्रत्यक्ष मांग है। यानी कि वो हर चीज़ जिससे हमारी आवश्यकता की डायरेक्ट संतुष्टि होती है, प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है, ऐसी वस्तु की मांग को प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया आदि। दूसरा पॉइंट बच्चों, हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न मांग। देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी मांग आपको डायरेक्टली तो नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एसी की मांग जो है वो प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन एसी को ठीक करने के लिए उन मैकेनिकों की मांग जो एसी ठीक करते हैं वो इनडायरेक्ट डिमांड है, या आप कह सकते हो डेरिवेटिव डिमांड है। यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी जो मांग है वो हमारी व्युत्पन्न मांग होती है। जैसे मान लीजिए मुझे घर में सफ़ेदी करानी है, वाइट वॉश कराना है, तो मुझे एक लेबर की ज़रूरत होगी जो वाइट वॉश कर सके। तो ये जो मांग है, एक्चुअल में मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है या एक्चुअल में मुझे उस मशीन की ज़रूरत नहीं है जो ये वाइट वॉश करेगी, बल्कि मुझे वाइट वॉश कराने की ज़रूरत है। यानी कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकता को डायरेक्ट संतुष्ट ना करके इनडायरेक्टली संतुष्ट करती हैं, उनको हम बच्चों व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है वो कीमत मांग है, चौथा पॉइंट आय मांग, और पांचवा पॉइंट है तिरछी मांग। इनको मैं आपको बता देता हूँ बहुत आराम से, क्योंकि तीनों समझ में आ जाएंगे। देखिए, किसी वस्तु की मांग में जो चेंज होता है, अगर वो कीमत की वजह से होता है तो उसे कीमत मांग बोलते हैं। यानी कि कीमत मांग का मतलब हुआ कि वस्तु की मांग जो कीमत से प्रभावित होती है। देखिए, बहुत सारी वस्तु होती है जो कीमत से प्रभावित होती है तो उसको कीमत मांग बोलते हैं। जब कोई वस्तु आय से प्रभावित होती है, यानी कि जब किसी वस्तु का संबंध उसकी आय से होता है, जिसमें हम सामान्य वस्तु घटिया वस्तु के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो जब आय से डिफाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं आय मांग। और जब एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग एक दूसरे को प्रभावित करती है तो उसको हम बोलते हैं तिरछी मांग। आय मांग यानी कि आय जब मांग को प्रभावित करती है, तिरछी मांग जब एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, और कीमत मांग जब कीमत मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा बच्चों, संयुक्त मांग भी होती है। देखिए, संयुक्त मांग वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करती है। यानी कि एक तरीके से आपने पूरक वस्तु पढ़ा होगा, पूरक वस्तु में भी होती थी दो वस्तुएं मिलकर आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, संयुक्त मांग में बहुत सारी वस्तुएं एक साथ मिलती है तब जाके आवश्यकता की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो दिल्ली से आपको जाना है, मान लीजिए आगरा जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, तो आपको कार चाहिए। केवल कार से काम थोड़ा ना चलेगा, रोड भी तो चाहिए, ठीक है, रोड से भी काम नहीं चलेगा, कार के अंदर पेट्रोल भी चाहिए, ठीक है, तो यानी कि टायर भी चाहिए कार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर आपको गुड्स बन रही हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों संयुक्त मांग, कंपोजिट आप कह सकते हो संयुक्त मांग, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों संयुक्त मांग। इसके अलावा सामूहिक मांग भी होती है। सामूहिक मांग वो होती है जिसमें एक वस्तु जो है वो कई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए, संयुक्त मांग में क्या होता था, कई सारी वस्तु मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करती थी, और जब एक वस्तु कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों संयुक्त मांग। संयुक्त मांग क्या होती है, जैसे दूध हो गया, दूध को आप कई सारे उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप बिजली हो गया, बिजली का आप कई सारे पर्पज़ के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके की जो मांग है इसको हम बोलते हैं बच्चों सामूहिक मांग। इसके अलावा एक और मांग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है वैकल्पिक मांग। वैकल्पिक मांग का मतलब क्या हुआ कि जब एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हों। जैसे आप मान लीजिए खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए तो वेटर ने आपको मेन्यू कार्ड दिया, तो मेन्यू कार्ड में से आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। यानी कि आवश्यकता आपकी भूख है, लेकिन उसके लिए आपके पास तमाम तरीके के विकल्प उपलब्ध हैं। तो इस तरीके की जो मांग होती है उसको हम वैकल्पिक मांग बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा प्रतियोगी मांग होती है। प्रतियोगी मांग का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तुओं के बीच संतुष्टि करने के लिए कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रतियोगी मांग। तो बच्चों ये सारी मांग के प्रकार हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना था, मुझे लगा मैं इसी में आपको समझा देता हूं, वो है एंजल का नियम। देखिए, एंजल वक्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हम आगे डिफरेंस कर में बताएंगे। एंजल का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जो भोजन पर हमारा जो खर्चा है,
ठीक है, यानी कि भोजन पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा उसका जो अनुपात है वो लगातार गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपये है तो 80% मैं खर्च कर देता हूँ खाना खाने पे, ठीक है 8,000 रुपये खर्च होते हैं। लेकिन जब इनकम 1,000 रुपये होगी, 1,00,000 रुपये हो जाएगी तो मैं 80,000 रुपये खाने पे खर्च नहीं करूँगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए मैं चलिए मैं 25,000 खर्च कर लूँगा तो 25% हो गया, और इनकम अगर 10,00,000 रुपये हो जाएगी तो 50,000 कर लूँगा, चलिए 1,00,000 कर लिया तो 10% खर्चा किया। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम का प्रपोर्शन बढ़ता है हमारा जो उपभोग है उस पर जो किया गया खर्चा जो है वो लगातार उसका अनुपात गिर जाता है। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको मांग के सभी प्रकारों को बताने की कोशिश की है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।